हाय फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे ओमेगा 3 फैटी एसिड्स या फिर मोस्ट कॉमनली जो लोग बोलते हैं फिश ऑयल कैप्सूल्स के बारे में। तो बहुत लोगों ने मुझसे ये सवाल पूछा कि सर, हमने फिश ऑयल के लिए एक सेपरेट वीडियो मांगी, आप क्यों नहीं बना रहे इतने टाइम से? क्योंकि मुझे लगता था ये बहुत कॉमन नॉलेज है, इसलिए नहीं बना रहा था। फिश ऑयल मैंने देखा है ज्यादातर बॉडी बिल्डर्स ले ही रहे हैं, बट बिना प्रॉपर डोजेज जाने ले रहे हैं। उनको ये नहीं पता कब लेना है फिश ऑयल, कब बेस्ट टाइम होता है फिश ऑयल लेने का, किस डोज में फिश ऑयल लेना चाहिए, कितने समय तक फिश ऑयल लेना चाहिए, क्या फिश ऑयल लेने के कुछ नुकसान है। फायदे तो ऑब्वियसली बहुत सारे हैं। दिस इज वन सुपर ड्रग जिसके बारे में कोई बात ही नहीं कर रहा है। ये इतने सारे बेनिफिट्स के साथ आती है, बॉडी बिल्डिंग, फैट लॉस, मसल गेन, ये सारी चीजें तो इससे होती ही है। साथ में आपकी स्किन, आपका दिमाग का सोचने की जो शक्ति होती है, क्लियरर थिंकिंग, बेटर फोकस, इम्प्रूव जॉइंट हेल्थ, जो मेरे ऑर्थोपेडिक व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। हम लोग कई बार जॉइंट पेशेंट्स को देते हैं फिश ऑयल। स्ट्रेस से लड़ने की ताकत, डिप्रेशन से लड़ने की ताकत, बहुत सारी चीजें हैं, इतने सारे बेनिफिट्स हैं, मैं एक साथ गिना भी नहीं पाऊंगा आपको। तो हम नॉर्मल डाइट में क्या क्या ले सकते हैं, फिश ऑयल की रिप्लेसमेंट किस चीज से हो सकती है, क्योंकि कई लोग जो है वो वेजिटेरियन होते हैं, उनको फिश ऑयल नहीं सूट करता है, और क्या इसमें और कंपोनेंट्स हैं, विटामिन्स, मिनरल्स, पूफा यानी पॉलीअनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स, ओमेगा 6 फैटी एसिड्स। ओमेगा 3 पे मैंने देखा है सारे लोग खत्म कर देते हैं, कुछ ज्यादा पढ़े लिखे होते तो डीएचए के बारे में बता देते हैं। मैं सारी चीजें डिस्कस करूंगा डिटेल में आज आपके साथ इस बहुत ही पावरफुल मैजिकल कैप्सूल के बारे में। सबसे पहले शुरू करते हैं कि फिश ऑयल होता क्या है, उसके अंदर क्या ऐसे कंपोनेंट्स हैं जो हमारे लिए बेनिफिशियल होते हैं। उसमें होते हैं ओमेगा 3 फैटी एसिड, जो असेंशियल फैटी एसिड हैं, जो आपको बाहर से ही लेने पड़ते हैं। असेंशियल का मतलब आपकी बॉडी इनको नहीं प्रोड्यूस करती, या आपको अपनी डाइट में ही कंज्यूम करने पड़ेंगे। इनका फायदा क्या क्या होता है वो डिस्कस करेंगे। पहले मैं बता देता हूँ इसके फूड सोर्सेस क्या होते हैं। फ्लैक्स सीड्स हो गए, चिया सीड्स हो गए, सेसमी सीड्स हो गए, अखरोट यानी कि वॉलनट हो गया, इन सारी चीजों में भरपूर मात्रा में आपको ओमेगा 3 फैटी एसिड्स मिलेंगे। तो जो लोग फिश ऑयल के साथ कंफर्टेबल नहीं है, वेजिटेरियन है, वो इन सोर्सेस से ले सकते हैं। और एक कैप्सूल फॉर्म है, फ्लैक्स सीड की कैप्सूल आती है, फ्लैक्स सीड ऑयल की कैप्सूल, उसको यूज कर सकते हैं, वो वेजिटेरियन होती है। तो क्या क्या बेनिफिट्स हैं उनके बारे में बात करते हैं। सबसे पहला मेजर बेनिफिट होता है डिक्रीज रिस्क ऑफ हार्ट डिजीज, यानी आपकी हार्ट की, दिल की हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है। ये आपकी कोलेस्ट्रॉल मैनेजमेंट में आपकी हेल्प करता है, और साथ ही साथ जो ट्राइग्लिसराइड्स, जो बुरे फैट होते हैं, जो आपकी बॉडी में प्लाक बनाते हैं, आपकी खून की नसों को ब्लॉक करते हैं, उनको कम करता है, ताकि आपका ब्लड आराम से पंप हो पाए और आपके हार्ट पे जोर ना पड़े। बहुत सारी स्टडीज हुई हैं इस चीज पे, और ये एक प्रोवन फैक्ट है कि फिश ऑयल हार्ट हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है। अगला बेनिफिट है क्लियरर थिंकिंग, आपकी सोचने की जो कैपेबिलिटी होती है, जो आपके न्यूरल पाथवेज होते हैं दिमाग में, उनको ये हेल्दी रखता है फिश। और कई बार जो बच्चे होते हैं जिनको ADHD यानी अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर होता है, जिसमें वो अटेंशन नहीं पे कर पाते, चीजों पे फोकस नहीं कर पाते ढंग से, उनकी ट्रीटमेंट में भी फिश ऑयल ऐड करा जाता है। तो खाली आपके शरीर की हेल्प नहीं होती, साथ ही साथ आपके दिमाग की भी हेल्प करता है। ब्राजील में रिसेंटली एक स्टडी हुई थी जिसमें इन्होंने ये पाया है कि अल्जाइमर्स डिजीज, जिसमें आदमी को भूलने की बीमारी हो जाती है, चीजें भूल जाते हैं वो, उसको ये उसका रिस्क कम करता है फिश ऑयल। एक्चुअली ये प्रूव हो चुकी है चीज। तो आपकी मेमोरी और आपकी थिंकिंग के लिए फिश ऑयल बहुत अच्छा होता है। अगला बेनिफिट है इसका बेटर स्टैमिना और वेट लॉस यानी फैट लॉस। ये दोनों में साथ में आपको बेनिफिट इसलिए समझा रहा हूँ क्योंकि दोनों इंटर रिलेटेड। मेमोरियल यूनिवर्सिटी ऑफ फिनलैंड में ये स्टडी हुई थी जिसमें ये पाया गया था कि फिश ऑयल आपका स्टैमिना बढ़ा देता है। उसके पीछे रीजन ये है कि जब आप फिश ऑयल लेते हैं तो आपका शरीर जो है स्टोर्ड ग्लाइकोजन को नहीं यूज करता एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी, वो फैट को यूज करता है। जी हाँ, फैट एज अ प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी। तो जब आप बहुत डिफिकल्ट एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, नॉर्मल एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो आपका शरीर इंस्टेड ऑफ यूजिंग कार्ब्स या स्टोर्ड ग्लाइकोजन, वो फैट को यूज करेगा। और फैट जब यूज होगा तो आपका स्टेमिना भी बढ़ेगा, क्योंकि आपके पास फैट के बाद देने के लिए कार्ब्स और ग्लाइकोजन भी है। और दूसरी चीज, फैट यूज होगा तो फैट बॉडी में से भी झड़ेगा, इसलिए फैट लॉस भी हेल्प होता है। तो दोनों चीजें बढ़ रही है। द अमाउंट ऑफ टाइम यू कैन एक्चुअली सस्टेन डूइंग एक्सरसाइज, वो भी बढ़ जाती है, क्योंकि आपका एनर्जी रिजर्व, आपका एनर्जी स्टोर बढ़ गया, और दूसरा आपका फैट यूज हो जाता है, जिसकी वजह से फैट लॉस में भी आपको हेल्प मिल जाती है। अगला एक बहुत ही अच्छा ऑर्थोपेडिक यूज है इसका, जो मैं अपनी खुद की स्पेशलिटी में कई बार प्रिस्क्राइब करता हूँ, वो है इम्प्रूव जॉइंट हेल्थ। मैं ये नहीं कह रहा किसी को आर्थराइटिस है तो उसका जॉइंट पेन बिल्कुल खत्म हो जाएगा,
लेकिन हाँ, कई स्टडीज में ये पाया गया है कि जॉइंट्स की जो इलास्टिसिटी होती है, जो उनकी मूवमेंट की एबिलिटी होती है, मुड़ने की एबिलिटी होती है, उसको फिश ऑयल काफी हेल्प करता है। तो आर्थराइटिस के पेशेंट्स में भी इसको प्रिस्क्राइब किया जाता है कई केसेस में, और बहुत सारे जॉइंट पेन के केसेस में देखा गया है ये एक्चुअली काफी हेल्पफुल पाया गया है। यूनिवर्सिटी ऑफ मैक्सिको में एक्चुअली एक स्टडी हुई थी जिसमें ये पाया गया था कि फिश ऑयल जो है जॉइंट पेन को और इन्फ्लेमेशन को रिड्यूस करता है। अगला बेनिफिट फिश ऑयल का है फास्टर मसल रिकवरी। जो आप एक्सरसाइज करके अपनी मसल तोड़ते हैं उसकी रिकवरी बेटर होती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इसमें फिश ऑयल में खाली ओमेगा 3 ओमेगा 6 नहीं, साथ में पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड जिसको हम पूफा बोलते हैं वो भी होते हैं, और इस पूफा की वजह से इन्फ्लेमेशन कम होती है आपके शरीर में, और डिलेड ऑनसेट मसल सोरनेस एक्सरसाइज करने के बाद जो शरीर में दर्द होता है वो देखा गया है नहीं होता यूजुअली, और मसल रिकवरी फास्ट हो जाती है। साथ ही साथ जैसे ये आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम यानी आपके ब्रेन की हेल्थ को मेंटेन करता है, साथ ही साथ ये बाकी नर्व टिश्यूज की हेल्थ को भी ये प्रोटेक्ट करता है, नर्व डैमेज से आपके शरीर को बचाता है। और एक बहुत बढ़िया बेनिफिट जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं वो है ये आपके आई के अंदर का जो प्रेशर है उसको कम करता है। जब ये प्रेशर बहुत ज्यादा हो जाता है हमें एक बीमारी होती है जिसको हम बोलते हैं ग्लॉकोमा। तो ग्लॉकोमा एक बहुत कॉमन कंडीशन है, एंड ऑफ्थैल्मोलॉजिस्ट स्वेयर बाय इट कि फिश ऑयल जो है ग्लॉकोमा ट्रीटमेंट में भी एक्चुअली यूज किया जा सकता है। वो आपके आई के अंदर के जो फ्लूइड्स होते हैं उनका ड्रेनेज पाथवे बेटर करता है, और वो फ्लूइड्स ड्रेन हो जाते हैं तो आंखों के अंदर का प्रेशर जो है थोड़ा कम हो जाता है। तो ग्लोकोमा होना और ग्लोकोमा होने के बाद दोनों चीजों में ये हेल्प करता है। इसमें खाली ओमेगा 3 ओमेगा 6 और पूफा नहीं होता है, इसमें साथ ही साथ वाइटामिन ए और वाइटामिन डी भी अच्छी मात्रा में होता है। वाइटामिन डी की मेरी जो सेपरेट वीडियो है वो सजेशंस में आएगी इसके एंड पे, आप उसको देख सकते हैं। बट वाइटामिन डी बहुत जरूरी होता है आपके कैल्शियम अब्सॉर्प्शन के लिए, और वाइटामिन डी आपकी हड्डी और इम्यूनिटी दोनों के लिए बहुत जरूरी होता है। तो आपको साथ ही साथ इसमें वाइटामिन ए और वाइटामिन डी सप्लीमेंट भी मिल रहा है। और एक बहुत अननोन बेनिफिट फिश ऑयल का है कि वो आपकी स्किन अच्छी करता है, बहुत ही शाइनी और रेडिएंट ब्राइट स्किन हो जाती है आपकी, क्योंकि आपकी स्किन के अंदर एक प्रोटीन होता है जिसको हम बोलते हैं कोलाजन, और योर स्किन रियली कैन नॉट गेट इनफ ऑफ कोलाजन। जितना आपके पास कोलाजन होगा उतनी आपकी स्किन बेटर होगी, क्योंकि एज के साथ जो है ये कोलाजन डीजेनरेट करता है जिसकी वजह से झुर्रियां यानी कि रिंकल्स पड़ते हैं और स्किन की ओवरऑल कंडीशन वर्स होती रहती है। तो ओमेगा 3 फैटी एसिड जो है कोलाजन की स्टोरेज बढ़ा देते हैं जिसकी वजह से आपकी जो झुर्रियां हैं वो कम हो जाती है, रिंकल्स पड़ने का चांस कम हो जाता है, और साथ ही साथ जो स्किन में इन्फ्लेमेशन होती है एक्ने से यानी पिंपल से वो भी कम हो जाती है। तो देखा गया है कि एक्ने भी फिश ऑयल कंजम्पशन से कम होती है। साथ ही साथ इसमें DHA और EPA भी होते हैं जो दोनों बहुत हेल्पफुल है आपकी ब्रेन पावर के लिए। तो इससे आप खाली अपनी मसल और बॉडी नहीं बना रहे हैं, साथ ही साथ अपना दिमाग, अपनी इम्यूनिटी, अपनी स्किन, अपनी जॉइंट हेल्थ, हर चीज का ध्यान रख रहे हैं। एंड सबसे अच्छी बात है सर, इसके साइड इफेक्ट्स एज सच कुछ नहीं है। जो जनरलाइज हर मेडिसिन सप्लीमेंट के साइड इफेक्ट होते हैं, नोजिया, वॉमिटिंग, डायरिया, वही है, और वो बहुत कम लोग फेस करते हैं। तो अगर इसको विद इन लिमिट, विद इन राइट डोजेज लिया जाए तो ये सारे फायदों का आप देखेंगे विद इन 30 डेज, 30 दिन के अंदर आपको ये सारे फायदे धीरे धीरे दिखना शुरू हो जाएंगे। 30 दिन में ये कैप्सूल आपकी जिंदगी बदल सकती है। अगर आप डेली 1 ग्राम फिश ऑयल लेते हैं, और अगर आप हैवी वर्कआउट करते हैं तो यू कैन इवन बम्प इट अप टू 2 ग्राम्स अ डे। एक कैप्सूल में यूजुअली 1 ग्राम होता है। जो थोड़ी चीप सस्ती कैप्सूल्स होती हैं उनमें 500 mg भी होता है, तो वो आपको उस हिसाब से डोज एडजस्ट करके, अगर आपको 1 ग्राम लेना है तो 1 कैप्सूल, और 2 ग्राम लेना हैवी एक्सरसाइज करते हैं, एथलीट हैं, बहुत हैवी ट्रेनिंग करते हैं, तो 2 ग्राम तक 2 कैप्सूल ली जा सकती हैं। ये आपको खाने के बाद लेनी है ताकि इसका अब्सॉर्प्शन अच्छा हो, एंड प्रेफरेबली ब्रेकफास्ट और लंच के बाद ली जा सकती है, और अगर आप एक ही ले रहे हैं तो ब्रेकफास्ट के बाद। 2 ग्राम से ज्यादा मैं इसको एडवाइस नहीं करूंगा एक दिन में किसी के लिए भी, चाहे आप जितनी भी एक्सरसाइज कर रहे हो। मुझे पता है बहुत यूट्यूबर्स, बहुत न्यूट्रिशनिस्ट कहते हैं कि 3 ग्राम तक लिया जा सकता है, बट आई वुडंट एडवाइस दैट। जितना फायदा आपको होना है, अगर आप एक रेगुलर इजी जिम गोअर हैं 1 ग्राम से हो जाएगा, और अगर बहुत हार्ड कोर एथलीट है तो 2 ग्राम से हो जाएगा, उससे ज्यादा की जरूरत नहीं। सो आई होप मैंने फिश ऑयल से रिलेटेड आपके सारे डाउट्स आंसर कर दिए हैं। एक चीज और मैं मेंशन करूंगा कि कुछ ब्रांड्स जो हैं, स्पेशली फॉरेन ब्रांड्स जो हैं, वो फिश ऑयल की जो कवरिंग होती है, जेलेटिन की कवरिंग, वो एनिमल का उससे प्रोटीन से निकाली जाती है, एनिमल जेलेटिन होता है उसमें, और कई बार उसमें बीफ यानी गाय का मीट यूज होता है। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि वो बीफ वाली एनिमल कवरिंग उसमें ना हो, उस जेलेटिन के अंदर बीफ ना हो। ये चीज वो यूजुअली डब्बों के पीछे लिख देते हैं,
तो ध्यान से डब्बे के पीछे पढ़िएगा कि इसकी कवरिंग किस चीज से बनी। अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और जितना हो सके शेयर करें ताकि ये जानकारी सब तक पहुंच सके, सबका भला हो और सबको इस पावरफुल पिल के बारे में मालूम पड़े। टिल नेक्स्ट टाइम, थैंक यू फॉर वॉचिंग। लेट्स मेक इंडिया फिट टुगेदर।